एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ द मार्केट है, द मार्केट इज द प्लेस वेयर वी फाइंड द सेलर्स बायर्स एंड गुड्स। मार्केट उसे कहते हैं जहां पर हमें सेलर्स हो, बायर्स मिले और कोई गुड्स हो, कोई प्रोडक्ट हो बेचने के लिए। अब पता चला कहीं सेलर्स और बायर्स मिल गए, वो क्या खरीद रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, किस पर डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको हम मार्केट नहीं कहेंगे। कम से कम जब खरीदे बेचने की बात होती है, किसी आइटम को खरीदे बेचने की बात होगी या कहीं पर केवल खाली सामान रखा है तो वहां पर खरीदे बेचने वाला कोई नहीं है। जैसे आपका गोडाउन है या कहीं फैक्ट्री होती है, तो गोडाउन में भी देखा होगा कि वहां पर खरीदने वाला क्या होता है, जो सामान बेचने का होता है, जो शॉपकीपर है उसे फ्रंट में कहता है अपने शॉप में, और जो स्टॉक है उसका अलग होगा। इसलिए कहा गया है कि वहां पर सेलर से बायर से एंड उसके गुड्स होने चाहिए। क्या हो गया आपको रेट टाइप्स ऑफ द मार्केट, तो एक सवाल नंबर डेली मार्केट, डेली मार्केट प्लेस है वेयर वी फाइंड द डेली नीडेड आइटम्स। अब वो हफ्ते में जो हमारे क्या होते हैं 6 डेज होते हैं, तो वैसे 7 डेज होते हैं, मंडे ऑफ होता है वीक, तो मोस्टली क्या होता है कि ये जो मार्केट्स हैं पूरे वीक में कहीं 6 डेज कहीं 7 डेज ओपन रहती है, तो उसे कहा गया है डेली मार्केट कहा गया है। ऐसी मार्केट आप देखेंगे जैसे हमारे नियम मार्केट आलोनी है, तो वो मंडे टू सैटरडे ओपन रहता है, तो उसे हम कहेंगे डेली मार्केट कह देंगे। और उसके बाद वीकली मार्केट, अब वीकली मार्केट कब होगा, वंस इन अ वीक, द मार्केट विच ओपन्स वंस इन अ वीक। तो ये सब चीजें अलग अलग होते हैं, तो ओपन वंस इन अ वीक ऐसी मार्केट जो वीकली वन डे ओपन होती हो उसे वीकली मार्केट कह देते हैं। आई लाइक हजारी में है सैटरडे, सैटरडे को एक शनि बाजार लगती है, कहीं पर मंगल बाजार लगती है, कहीं बुध बाजार लगती है, तो केवल क्या लगेगी वो ऑनली वंस इन अ वीक, हफ्ते में केवल एक दिन लगेगी, उसका डे लगभग डिसाइडेड होता है, उसे हम कह सकते हैं वीकली मार्केट करके। आपका हो सकता है कहीं हजारों की लोकल के एरिया में कहीं पर कहते हैं कि मंगल बाजार लग रही है, तो मंगलवार को क्या होगा वहां लगभग उस पर्टिकुलर प्लेस पर सारी दुकानें लगी रहती है, उसे मंगल बाजार कहा गया है। कहीं बुध बाजार कह देते हैं, वहां बुधवार को सारा सामान मिलेगा हफ्ते में एक दिन, तो लोग उस नियर बाय शॉप में जाते हैं, इतना अंतर है। तो क्या हो गया हमारा वीकली मार्केट और डेली मार्केट। इसके बाद शॉप इन द नेबरहुड है, शॉप इन द नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब हो गया हमारा एक पड़ोस में जो मार्केट रहती है, पड़ोस की दुकान से हम कह देते हैं, आपके जो पड़ोस की दुकान होती है वहां पर लगभग डेली यूजेज का पूरा सामान मिलता है, और हो सकता है वहां पर एक भी बंद ना होती हो। जैसे हमने कहा कि हल्द्वानी में हफ्ते में वीकली मंडे क्लोज होता है, तो वहां नहीं होता, इसलिए वहां पर कहा गया है कि ये शॉप्स इन द नेबरहुड, आपकी लोकल की मार्केट, कॉलोनी की मार्केट, कॉलोनी में जो दुकान होती है। विकास गंगवार सर जी, सर जैसे जो बाजार सर वीकली में एक बार लगती है सर, ओपन सी ना वीक है वीकली मार्केट क्या देते हैं जी, और सर जो हफ्ते और जो सर हफ्ते में 2 या 3 बार लगती है उसको क्या कहते होंगे फिर। हफ्ते में 2 या 3 बार ऐसे मार्केट तो मुश्किल से ही होती है सर, हमारे यहाँ पे दो दिन लगती है हफ्ते में, उसे वीकली कैसे कह दोगे, कैसे रेगुलर मार्केट कह दोगे उसे। ओके सर
तो आप इसे वीकली कह सकते हो ना रेगुलर कह सकते हो। यस सर। ट्वाइस इन अ वीक हो गया वो। ओके सर। कह सकते हो उसे ट्वाइस इन अ वीक अगर ऐसा कहीं है तो। यस सर। ठीक है। अब बात करते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स, ये तो आजकल सब आप इन्हीं में जाते रहते हैं, मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं जाते हैं। इसे हम कहेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल करके लिखा आपके यहाँ। और डेली मार्केट को हम रेगुलर मार्केट भी कह देते हैं। अच्छा, तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स जहां पर हमें हाई क्वालिटी का सामान मिलता है और विशेष व्यवस्था के सामान मिलता है। जैसे आप जिस किसी मॉल में जाते हैं तो आपने देखा होगा बाहर से सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं और वहां आपके बैग रखने के लिए बाहर एक रैक बना रहता है। अंदर आप जाएंगे हो सकता है कि आपके लिए पूरे सामान बना रहेगा। आपको एक क्या मिल जाएगा, एक वो कैरी टाइप का मिल जाएगा या बॉक्स टाइप का मिल जाएगा या कोई बैग टाइप का मिल जाएगा। आपका जो जो सामान चाहिए आपको आप वहां से उठा के ले आए। उसके बाद आप फिर मेन काउंटर पर आएंगे सामान छांट छूट के। तो उससे पहले जब आपके सामान का आइडिया नहीं आ रहा है तो आप वहां पूछ सकते हैं। और हर जगह रेट लिस्ट लगी रहती है और जो डिटेक्शन है वो भी वहीं पर लिखा रहता है क्या है कितना है करके। जब मेन काउंटर पर आते हैं तो सामान वहां पर रख देते हैं, आपको एक प्रिंटेड लिस्ट मिल जाती है आपका सामान लगभग इतने का है करके। तो आपके जो ये जहां इस टाइप की फैसिलिटी मिलती है उसे आप कह देते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अब आजकल कॉम्प्लेक्स ऐसे हो गए हैं जहां पर आपको ईटिंग आइटम भी मिलेंगे, उसी के अंदर रेस्टोरेंट भी मिलेगा, हो सकता है उसी के अंदर सिनेमा हॉल भी हो, उसी के अंदर आपका शूज वाला मार्केट भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला भी होगा और आपका स्टेशनरी वाला भी होगा, आपका स्पोर्ट्स वाला भी उसी में होगा। अलग अलग फ्लोर भी हो सकती है उसमें या अलग अलग रो भी हो सकती है, अलग अलग रूम्स भी हो सकते हैं। जैसा जैसा होगा उसमें, जैसे जैसे उसको डेवलप किया होगा वो आपको उसमें मिल जाएगा। तो उसे हम वहां पर कहा गया है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स। तो अगर आपके जो हमारी डेवलप्ड सिटीज है, बड़े बड़े शहर है, बिग सिटीज है, तो वहां पर आपको ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इजीली मिल जाते हैं। आपका हल्द्वानी हो गया, रुद्रपुर हो गया, देहरादून हो गया, दिल्ली में तो फिर कहना ही नहीं है, कानपुर हो गया, पटना हो गया, ये सब हमें क्या मिलेंगे, यहाँ हमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया एक ही रूप के नीचे, एक छत के नीचे सारा सामान मिलना, उसे लगभग यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहा गया। और उसके बाद ऑनलाइन मार्केट। ऑनलाइन मार्केट आजकल बहुत ही फेमस है, लॉकडाउन में आप सब लोग इसका यूज कर रहे होंगे ऑनलाइन मार्केट का। घर पर बैठे सामान मंगाना, आपने अमेजन, फ्लिपकार्ट, फर्स्ट क्राई, इस टाइप की कुछ क्या है अमेजन मार्केट, ऑनलाइन मार्केटिंग वाली कुछ कंपनीज है आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती हूँ, सैंपल देती है आपको, उसमें आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद उसके रेट आप मालूम कर सकते हैं। वहाँ रेट भी दी रहती है उसका, कितने का होगा, क्या होगा, क्या क्या उसमें क्वालिटीज हैं, क्या क्या वराइटीज हैं, क्या उसमें मेरिट्स हैं, वो सब आपको हाईलाइट किए रहते हो अलग अलग एंगल में उसका, या 3D में, वीडियो में, जैसे भी है उसका फोटो वीडियो अवेलेबल रहेगा। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, रेट वहीं पर होगा, हो सकता है डिलीवरी चार्ज होगा, हो सकता है कंपनी आपको डिडक्शन दे रही हो। तो पेमेंट का आपका अलग अलग ऑप्शन होता है उसमें, एक COD करके होता है कैश ऑन डिलीवरी, जब आपको सामान पहुंचेगा उसमें आप पेमेंट करेंगे।
नहीं तो ऑनलाइन पेमेंट का होता है, ऑनलाइन पेमेंट आप कर देंगे, इसका मतलब ऑनलाइन पेमेंट बुकिंग के समय आप बुकिंग के समय आपने पेमेंट कर दिया तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर आपके पास एक पर्टिकुलर रहती है ऑनलाइन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपके पास पहुंच गया, आपने चेक कर लिया जो मैंने प्रोडक्ट मंगाया है मेरे पास एक प्रोडक्ट आया है, मतलब मुझे उसमें मुझे वीडियो में फोटो में कुछ और दिखाना है लेकिन यहाँ पर उसका वही आइटम दे दिया, तो उसको रिटर्न करने के लिए उसमें कैटेगरी रहती है ऑनलाइन मार्केट में। बहुत बार हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपने लिया तो उसमें क्या हो गया, कोई डिफेक्ट आ गया, तो इसलिए जब आप जब भी आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं उसे रिसीव करके जब उसको ओपन करते हैं उनकी सीट ओपन करते हैं उसमें छोटे वीडियो बनाने, जब आप सेटिस्फाई हो जाए कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है और ये वही प्रोडक्ट है जो मैंने बनाया था सब कुछ ठीक ठाक है, तब आप क्या करें उसे जब सेटिस्फाई हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज क्या होता है उसको रिटर्न का ऑप्शन होता है विद इन वीक, विद इन 10 डे, विद इन 3 डे आफ्टर रिसीविंग। तो आप से रिटर्न कर सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो कोई डुप्लीकेट आइटम ने दे दिया है आपने, कोई सामान ने कुछ और दे दिया, तो इसलिए ऑनलाइन मार्केट का प्रचलन क्या है आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। एक तो लॉकडाउन में मार्केट हम जा नहीं पा रहे हैं, दूसरा इन्फेक्शन का थोड़ा डर है सभी को, तो लोग क्या कर रहे हैं ऑनलाइन मंगा ले रहे हैं, वैसे ही डिजिटल पेमेंट करते रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके सामान के घर पर पहुंचा रहा है, बाहर भी जाना हो रहा है, और घर का सामान देख लिया घर से पहले भी इसलिए ये आइटम है ये टिका है आपको जो मंगा ऑनलाइन से, तो कोई पूछता है कि ऑनलाइन कंपनी कौन कौन से करके, तो अमेजन फ्लिपकार्ट फर्स्ट क्राई और भी आप यूज करते होंगे, हमारा ऑनलाइन मार्केट। अब एक हो गया रिटेलर मार्केट और होलसेल मार्केट, रिटेलर एंड होलसेल। तो होलसेल में कहते हैं कि एक साथ बहुत सारा सामान बेचना, उसे हमने क्या कह दिया है होलसेल मार्केट। अब जो होलसेल वाले होते हैं वो रिटेलर को सामान बेचते हैं, किसको बेचेंगे रिटेलर को बेचेंगे होलसेल वाले आई लाइक। अब हमें क्या चाहिए आपको, जैसे मेरे पास एक मार्कर है तो मुझे बस एक मार्कर की जरूरत है, हो सकता है क्या होगा उसी मार्कर के 100 पीसेस में खरीद रहा हो तो क्या होगा उसे हम होलसेल मार्केट कहेंगे। हमें मिले हमें सिंगल पीस खरीदना है, 5 पीस खरीदते हैं, 10 पीसेस खरीदते हैं तो वो हम रिटेलर कहेंगे। मैं दुकान पर जाऊंगा मैं तो नहीं कहूंगा मुझे 10 मार्कर चाहिए सिंगल यूज के लिए, मुझे कितने चाहिए एक या दो मार्कर, तो क्या होगा वो रिटेलर मार्केटिंग होगी। ओनर टू आइटम्स यहाँ पर हम लेते हैं वहां पर रिटेलर मार्केटिंग कह देते हैं, तो हम क्या कह देंगे ओनर टू आइटम्स, ओनर टू आइटम्स यहाँ पर हम खरीदेंगे उसे हम रिटेलर मार्केट कह देंगे। तो बल्क में जहां पर हम खरीदते हैं बल्क में बहुत सारा बल्क बल्क मार्केटिंग जहां पर हम करते हैं वहां कर देते हैं होलसेल कर देते हैं। आप मार्केट में जाते हैं आप पैकेट से एक बॉक्स से कर देते हैं स्टेशनरी वाला जिसमें आपके वो ट्राइंगल रेक्टेंगुलर डिटेक्टर मिल जाते हो वाला बॉक्स स्टेशनरी वाला, वहां पर आपको वन और टू बॉक्स आपको बहुत बहुत जरूरत पड़ेगी, एक अपने एक अपने भाई बहनों के लिए किसी के लिए भी लेकिन मैं जितने मेंबर हूं पढ़ने वाले उनके लिए बहुत बहुत एक एक मांग किया तो यार तीन लोग पढ़ने वाले होंगे जितने भी होंगे अच्छा हो सकता है अपने जहाँ पर कहते लोग भी एक से काम करा देते हैं, लेकिन जो शॉप कीपर है वो अपने पास कितना मंगाता है हो सकता है 50 पीसेज मंगाता हो 100 पीसेज मंगाता हो या एक पेटी मंगाता हो, एक पेटी में जाते हैं आपके 250 पीसेज आ जाते हैं तो वो होलसेल मार्केट होगा, तो जितना ज्यादा ये सब खरीदते हैं उनको उतना बेनिफिट होता है। हम क्या करते हैं हमें एक एक आइटम करके बेचते हैं उसका क्या करते हैं उतना बेनिफिट लेते हैं। अब ये तो हमारी होगी
टाइप्स ऑफ मार्केट वाली बात। और इसके बाद इसमें चेन ऑफ द मार्केट है, मार्केट इज एवरीवेयर है। तो अब आप बताएंगे, हार्दिक भट्ट बताएंगे, हार्दिक अनम्यूट करें अपने आप को। अनम्यूट योर सेल्फ हार्दिक। ध्रुव चौधरी। यस सर जी। तो आपने कहीं ऑनलाइन मार्केटिंग की है कभी? सर ऑनलाइन मार्केटिंग हाँ सर की है एक बार। घर में किसी ने? हाँ सर की है। तो कौन सी कंपनी से आपने सामान मंगाया था? सर कंपनी का तो पता नहीं है सर, लेकिन शूज थे सर। शूज थे? शूज की मार्केटिंग की थी सर। अच्छा, जो मंगाए थे वही आए थे? हाँ सर। अच्छा, पेमेंट का कैसे किया आपने? सर पेमेंट तो सर कैसे भी कर सकते, मतलब मैंने तो कैश से किया सर, बाय कैश। अच्छा, आपने सीओडी किया, कैश ऑन डिलीवरी है? हाँ जी सर। जो आपके यहाँ डिलीवरी देने आया उसको आपने पैसे दे दिए? यस सर। ठीक है, कंपनी का नाम आपको मालूम नहीं है? नहीं सर, कंपनी का नाम शायद सर सोनी था सर, ये नाइक था सर, नाइक था सर शायद। सोनी कंपनी का तो शूज है आपका? तो एक नहीं सर, नाइक 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 एक एजेंसी जिसके थ्रू मंगा रहे हैं। क्या सर? जिसके थ्रू आप मंगा रहे हैं वो कौन सी कंपनी थी? जैसे ऑनलाइन में हमने कहा अमेजन फ्लिपकार्ट इस टाइप के होते हैं। हाँ सर अमेजोन से सर। अमेजोन के थ्रू मंगाया था? चलो हाँ जी सर, ठीक हो गया। इसका मतलब ऑनलाइन मार्केट आपका क्लियर है। हाँ, अब बताएंगे हमें जी आरवी। हाँ जी सर। हाँ जी, तो आप ये बताएंगे ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आप कभी गए हैं? मॉल्स जी गया हूँ सर। जी गए हैं ना। तो आपको जो कॉमन मार्केट होती है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंट लगा? सो कॉमन मार्केट्स खुली होती है और वो अच्छे से, मतलब हमें जो साइज चाहिए मॉल्स में हमें अच्छे से अपने साइज मिल जाते हैं और वहाँ पे सब कुछ वेल मेंटेन्ड होता है। और सर बाहर वहाँ पे कपड़े लटके रहते हैं, जो लोग ट्राई कर जाते हैं वो ऐसे पड़े रहते हैं, और जिसे पहनने पहनो पैसे दे के चले जाओ, मतलब वो वेल मेंटेन नहीं होता ज्यादा। मॉल्स इज बेटर देन द रोड वाला ना। ठीक है ठीक है, सही है। तो दक्ष नेगी, दक्ष नेगी को आवाज आ रही होगी हमारी? दक्ष नेगी आपका नेटवर्क सही है तो अनम्यूट हो जाए। नहीं हो पा रहे हैं। गौरांश कुमार। गौरांश? यस सर। तो पहले तो अपना ये नाम सही से लिखना, ये आगे जो चीजें बना रखी है इनको हटाना, ये परसों भी कहा था हमने। तो दूसरा ये बताओ आप कि आप के आसपास कोई वीकली मार्केट है? जी गौरांश। गौरांश कुमार, चलो डिस्कनेक्ट हो गए। अनम्यूट करें गौरांश अपने आप को। नो सर, नहीं है।
वही होगी, मार्केट नहीं है। अच्छा तो आपके बगल में कोई वैसी छोटी मोटी दुकान है? यस सर है। यहाँ पर एक टॉपिक हमारा है शॉप्स इन द नेबरहुड करके। यस सर। शॉप्स इन द नेबरहुड का मतलब हो गया हमारी जो कॉलोनी की दुकान है। यस सर। या जो गांव में रहते हैं जो गांव की दुकान है उसे शॉप्स इन द नेबरहुड। तो ऐसी दुकान है आपके आसपास कोई? यस सर है। तो उसमें क्या क्या मिलता है? उसमें ग्रोसरीज मिलती हैं और वेजिटेबल्स, फ्रूट, ये सब मिलते हैं। अच्छा, जो हम डेली में यूज करते हैं वो सामान लगभग मिलता है ना? यस सर। यस सर, डेली यूज का सारा सामान मिल जाता है। ठीक हो गया। तो लगभग मुझे लग रहा है आप समझ गए हैं जहां तक है हमारा डेली मार्केट, वीकली मार्केट, शॉप्स इन द नेबरहुड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स, ऑनलाइन मार्केट। हाँ, तो आप लोगों ने कभी ये भी सुना होगा कि आप अगर ये रिटेलर और होलसेल में अगर आप इतने आइटम लेंगे तो इतने की आपको छूट मिलेगी करके, दो के साथ एक फ्री या पांच के साथ एक फ्री, ऐसा सुन रखा है कभी? सर जी, सर मैंने लिया है सर होलसेल में से। सर जो भी सामान लेते हैं तो जैसे अगर कोई जैसे नियर बाय हमारा शॉप है और वही सामान होलसेल में मिल रहा है तो हमें उसमें कम से कम 20-30% का डिस्काउंट मिल सकता है सर। सर जैसे मतलब हमारे शॉप में मिल रही है वो चीज 500 रुपए की, 500 रुपीज की, तो होलसेल में मिलेगी वो 100 रुपीज की। हो सकता है तो बहुत 200-300 ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, मतलब इतनी? हाँ सर, 300 या 200 में, मतलब कम प्राइस में मिलती है सर होलसेल। हाँ, वो क्या कहते हैं, सामान ले जाओ कहते हैं, इतने में दे देंगे कहते हैं ना? क्या सर? आप इतना सामान ले जाओगे कहेंगे इतने में दे देंगे हम। हाँ सर, नहीं है ऐसे कहते हैं। हाँ सर, ऐसे कहते हैं। आप भी समझ गए? हाँ सर। हाँ, अब हम आपकी बात करते हैं छोटा सा लास्ट में, एक मिनट के लिए, एक मिनट हमारे पास लगभग बचा है। तो आपका जो असाइनमेंट है, मैंने कहा था असाइनमेंट में आपकी आईडी किसी भी नाम से हो, आप उसमें असाइनमेंट के ऊपर या जहां पर पैरेंट साइन होते हैं या कमेंट बॉक्स में अपना नाम, क्लास और असाइन नंबर लिख देना। जो लोग ऐसे हैं जिनकी अपने नाम से आईडी नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, केवल एसएसटी के लिए ही नहीं, आर्यवीर हैं तो आर्यवीर की आईडी बाय द वे अपने नाम की नहीं है, पता चला किसी और नाम से आईडी यूज कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के नाम से यूज कर रहे हैं, तो हम पेरेंट्स का नाम तो यहाँ लिस्ट में लिखा नहीं है, तो इसलिए आप वहां पर अपना नाम लिख देंगे। जो लोग ऐसे हैं तो उनके लिए मैं कह रहा हूं, जिनकी अपने नाम से आईडी है उनकी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग अपने नाम से आईडी